हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। हमारा आज का लेक्चर है कंजुगेट वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। हम इसको पहले से पढ़ते आ रहे हैं कंजुगेट वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले अगर हम बात करें कि हमने क्या पढ़ा हुआ है इसमें कंजुगेट वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, तो हमने ये पढ़ा था कि कंजुगेट वैक्सीन्स कैसे बनती हैं। कंजुगेट वैक्सीन्स का मतलब होता है कि आप कोई वैक्सीन लेते हैं, पॉलीसेकेराइड लेते हैं, जो कि कोई भी कवरिंग हो सकती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और उसको आप जॉइंट करा देते हैं, कंजुगेट करा देते प्रोटीन पार्ट से, ठीक है। तो ये जो बनकर रेडी होती है, यही होती है आपकी कंजुगेट वैक्सीन। तो इसके प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी का हमने एक पार्ट पढ़ लिया, ये पार्ट टू है, हम कुछ और ज़्यादा चीज़ें क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ओके, वाले हैं करेक्टर द कॉन्जुगेट। जो कॉन्जुगेट होते हैं उनका करेक्टराइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिप्स इन द मार्केट इज मैन्युफैक्चरर जो कंजुगेट वैक्सीन का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। अगर हम उसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप की बात करें तो उनका कैरेक्टराइजेशन The technology used has evolved over the years. जो technology use की जाती है characterization के लिए, वो सालों से evolution उसमें होता रहा, evolve होती रही है, change आते रहे हैं कि पहले कुछ evolve होती रही है, हर साल के साथ में upgrade होती रहती है। In general, animal is are not used for of polysaccharide vaccine। अगर जनरली बात करें तो polysaccharide conjugate वैक्सीन के लिए और जो रूटीन एनालिसिस है उसके लिए नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, जैसे एनिमल्स में किसी चीज़ का एनालिसिस करना है तो उसको उसी से कर लिया कि एनिमल एसिस का यूज़ कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे जब आप रूटीन एनालिसिस पॉलीसेक्राइड कंजुगेट वैक्सीन से नहीं कर पाते एनिमल एसिस से इसके डिटेक्शन, तो आप क्या करते हैं, इंस्टेड द कंसिस्टेंसी ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, किसी भी पर्टिकुलर वैक्सीन की मैन्युफैक्चर की उसको इवेलुएट किया जाता है भाई। अब सारे पॉलीकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है। पॉलीकेमिकल टेस्ट क्या होते हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं हु बीन केमिकल्स जो पॉलीसेकेराइड टेस्ट होते हैं, इनकी लिमिट सेट होती है वैक्सीन के यूज़ के आधार पे। जो क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन उसमें क्या बेसिस उसके आधार पे किया जाता है। फॉर दिस रीजन फिजियोकेमिकल मेथड्स होते हैं इवैल्यूएशन के, इनको बहुत केयरफुली चूज किया जाना चाहिए टू रिफ्लेक्ट पैरामीटर, और इनका इवैल्यूएशन करने के लिए इतना केयर कि क्या ज़रूरत है, ये इसलिए होता है ताकि जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं और तरह तरह के जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं उनके इंडक्शन के लिए जो पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट होते हैं उनको बहुत ही केयर के साथ में यूज़ करें, ताकि पैरामीटर्स को प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ के प्रोटेक्शन के लिए बहुत केयर के साथ में इवेल्युएट किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं
बस ऑफ कैरेक्टराइजेबल ऑफ कैरेक्टराइजेशन रिक्वायर्ड होता है, जिसे कि सबसे पहला है इन डेप्थ एनालिसिस द प्रोसेस एज अ रिसोर्स वैक्सीन। प्रोसेस के वैलिडेशन के लिए उसकी इन डेप्थ एनालिसिस और रिसोर्स की तरह सर्व करने की उसकी कैपेबिलिटी। कैरेक्टराइजेशन टू इंश्योर पोटेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट। इसका कैरेक्टराइजेशन इसलिए होना चाहिए ताकि इसे इंश्योर किया जा सके और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंसी को इंश्योर किया जा सके, सच एज इन प्रोसेस टेस्ट, जैसे कि इन प्रोसेस टेस्ट में और रिलीज टेस्ट में होता है, उसी तरीके से इनकी पोटेंसी और मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंसी किया जाता है। ओके, अब देखते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्जुगेशन। पता चला है कि जो कॉन्जुगेशन है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं। बढ़ रहा है एंड एक्सक्लूजन प्रोमोटर जो अपेरेंट साइज है कैरियर प्रोटीन का, चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो, चाहे कह सकते हैं कि प्रोटीन पे हो। तो जो कैरियर प्रोटीन है या जो पॉलीसेक्राइड है, अगर इन दोनों का साइज बढ़ रहा है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी पे, इज यूजली एन इंडिकेटर दैट अ कॉन्जुगेशन रिएक्शन हैज अकर्ड। इससे पता चलता है कि कॉन्जुगेशन की रिएक्शन हुई है। एस डी एस फेज ऑफ द कॉन्जुगेट मिक्सचर also shows a dramatic change in migration of the carrier protein। जो एस डी एस पेज की प्रोसेस होती है, ये भी जो कॉन्जुगेट मिक्सचर होता है, कॉन्जुगेट मिक्सचर का जब एस डी एस पेज करते हैं तो इससे भी पता चलता है कि कैरियर प्रोटीन का माइग्रेशन हो रहा है या नहीं। तो अगर कैरियर प्रोटीन माइग्रेट हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हुआ है। After conjugation, the carrier protein usually migrates as a smear। जो carrier protein है वो smear की तरह move करती है और does not enter gel, या तो gel में enter नहीं करती। Next आता है free polysaccharides। Free polysaccharides probably one of the parameters to form of certain polysaccharide। पॉलीसैकेराइड जो है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पैरामीटर क्यों या सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है वो आती है सेपरेटिंग कॉन्जुसैकेराइड्स फ्रॉम, क्योंकि कॉन्जुगेट पॉलीसैकेराइड तो इनको अलग करने में, इनको मेजर करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि अलग ही है करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप कैसे पता लगाएंगे कि कॉन्जुगेट प्रोटीन कौन सी है। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड मीडिएट्स फ्रॉम, जो ऑलिगो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनका सेपरेशन कॉन्जुगेट से करने के लिए कैन बी एक्सोग्राफ साइज इक्रोमेटोग्राफी का यूज किया जा सकता है, ताकि जो ऑलिगोसैकेराइड इंटरमीडिएट्स हैं कॉन्जुगेट्स के, उनके साइज का पता। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ
कि कॉन्जुगेशन के लिए किस मेथड को चूज किया गया है। इन मेनी नंबर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को मेजर किया जा सकता है पोलरीमेट्रिक एसेज की पॉलीसेकेराइड इंजेक्शन की मदद से एक्टिवेट किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ जो पीरियोडिक ऑक्सीडेशन किया गया, पॉलीसेकेराइड किया गया, तो इसकी मदद से जब आप डेरिवेटाइजेशन को मेजर करेंगे तो आप कैसे मेजर करेंगे, आप ये देखेंगे कि वहाँ पे सब डिग्रीजेशन के यहाँ पे पता करेंगे। टिपिकल दीज रेजिड्यू पार्क जॉनसन रिएक्शन चेंजेस की मदद से इन रेजिड्यूज का मेजरमेंट किया जाता है। अब आता है डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशन। द डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशन आल्सो टू एज द कोवेलेंसी, डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशन को ही कोवेलेंसी भी बोला जाता है। एंड इट इज अ क्रिटिकल एसोसिएट पोटेंसी वैक्सीन, ये बहुत क्रिटिकल पैरामीटर है पोटेंसी और कंसिस्टेंसी से जो एसोसिएटेड है कॉन्जुगेट वैक्सीन्स की। Ideally, this should be measured property. Reaction इसको मेजर करने के लिए कंजुगेशन रिएक्शन से रिजल्ट कंजुगेशन रिएक्शन की वजह से यूनिक प्रॉपर्टी डिग्री ऑफ कंजुगेशन मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर आता है मॉलिकुलर साइज। मॉलिकुलर साइज इज एन इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट फॉर कॉन्जुगेट एंड फॉर पॉलीसेकेराइड। साइज है ये इम्पॉर्टेंट कॉन्जुगेट्स का मॉलिकुलर वेट, क्योंकि भाई जब कोई सिंपल जैसे कि ये पॉलीसेक और ये अब इनको आप वेट जैसे कि इसका 30 है, अभी ये अलग अलग वेट आया, लेकिन जब आपने इनको कॉन्जुगेट है तो जुड़ तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी तो जुड़ जाएगा। यहाँ पे इनका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आप मॉलिक्यूलर वेट की मदद से मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि इनका साइज भी बढ़ रहा है, और उनके साइज को साइज एक्सक्लूड कोफिशिएंट की तरह रिलेट किया जाता है। अब साइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं के डी, साइज एक्सक्लूजन पार्टीशन कोफिशिएंट, और सेफ्टी कॉलम एक स्पेशल कॉलम के जाता है केडी को या साइज एक्सक्लूजन पार्टीशन कोफिशिएंट को मेजर करने के लिए।
वैक्सीन लगा सकते हैं।